राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों के कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी द्वितीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक हमारी हिंदी भाग 3 के ध्वनि पाठ। प्रस्तुत है पाठ प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू अगर पूरे घर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू अभी 2 महीने पहले ही अपने मायके से पहली बार ससुराल आई थी। रामू की बहू पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। रसोई घर की चाबी का गुच्छा रामू की बहू की करधनी में लटकने लगा। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर की मालकिन बन गई। सास जी ने अपने हाथ में माला थाम ली और पूजा पाठ के काम में अपना मन लगा लिया। लेकिन बहू थी 14 वर्ष की बालिका, कभी रसोई घर खुला छूट जाता तो कभी रसोई घर में बैठे बैठे वह सो जाती। कबरी बिल्ली को तो मानो ऐसे मौके की तलाश ही रहती थी। मौका मिलते ही वह रसोई घर में घुस जाती और घी दूध चट कर जाती। रामू की बहू की जान आफत में थी और कबरी बिल्ली के मजे ही मजे थे। उधर रामू की बहू दूध ढक कर मिसरानी को आटा दाल देने गई और इधर दूध गायब। रामू की बहू के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया। वह परेशान रहने लगी। एक बार रामू की बहू के कमरे में मां ने रबड़ी से भरी एक कटोरी भेजी। रामू के आने से पहले ही कबरी सारी रबड़ी चट कर गई। एक दिन बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही इस घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चा बंदी हो गई। और दोनों अपनी अपनी जगह सावधान। बिल्ली फंसाने का कटघरा घर में लाया गया। उसमें दूध, जिंदा चूहे तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले और भी विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने इन सब की ओर
ताका तक नहीं। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। उसने पिस्ते, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए। खीर पर सोने का वर्क चिपकाया और खीर से भरे कटोरे को ऊंचे आले में रख दिया ताकि बिल्ली वहां तक पहुंच ही ना सके। इसके बाद रामू की बहू पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, आले के नीचे से उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है। आले की ऊंचाई का अनुमान लगाया और देखा कि बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू जैसे ही सास जी को पान देने गई, कबरी ने एक ऊंची छलांग मारी। उसका पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ा। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह भागी। उसने देखा कि कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है और खीर फर्श पर फैल गई है। बिल्ली मजे से खीर चाट रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी 9-2-11 हो गई। रामू की बहू को बहुत गुस्सा आया। उसके सिर पर खून सवार हो गया। उसने मन ही मन तय किया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। उसने कबरी को जान से मार डालने का फैसला कर लिया। रात भर उसे नींद नहीं आई। कबरी पर किस तरह हमला किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, वह लेटे लेटे यही सोचती रही। सुबह हुई, उसने देखा कि कबरी दरवाजे पर बैठी बड़े प्रेम से उसकी ओर टुकुरु टुकुर देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे पर रख कर चली गई। हाथ में लकड़ी का एक पटरा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ आ गया। रामू की बहू ने अपनी सारी ताकत लगाकर पटरे को बिल्ली पर दे मारा। कबरी ना हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम लुढ़क गई। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली मर गई,
माँ जी, बहू ने बिल्ली मार डाली, इसके सिर पर हत्या चढ़ गई, इसे हत्या का पाप लग गया है, यह तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई ना बनाएंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक ही तो कहती हो, अब जब तक बहू के सिर से हत्या नहीं उतरेगी तब तक ना तो कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला तूने? महरी ने कहा, अब हो गया सो हो गया, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास की जान में जान आई, अरे हाँ दौड़कर जल्दी जा और पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता लग गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार होने लगी। रामू की बहू बेचारी सिर झुकाए गुमसुम बैठी थी। पंडित परम सुख जी को जिस समय यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से बोले, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवान मिलेंगे। पंडित परम सुख छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूंछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक झूलती हुई। पंडित परम सुख जी रामू के घर पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किस्नू की माँ ने पूछा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर अंगुलियां चलाईं, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, इस पाप के लिए कुंभी पाक नरक मिलता है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू छल छला आए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए, यह पाप कैसे उतरेगा? रामू की माँ ने पूछा। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की क्या बात है, हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए है,
शास्त्र में पापों का प्रायश्चित करने के तरीके भी बताए गए हैं। सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की मां ने कहा, पंडित जी, उसी के लिए तो आपको मेहरी से बुलवाया था। अब आगे बतलाइए कि क्या किया जाए। क्या किया जाए? सुनार से सोने की एक बिल्ली बनवाकर बहू के हाथ से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। चुन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान कर दी जाए और फिर पाठ हो जाए। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा और कहा, अरे बाप रे, सोने की बिल्ली! पंडित जी, यह तो बहुत है, किसी और तरह से काम नहीं चलेगा? पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, अरे रुपए का लोभ बहू से अधिक हो गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और कम से कम वजन की सोने की बिल्ली पर मामला तय हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा। पूजा की सामग्री हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा? रामू की माँ ने पूछा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान में करीब 10 बोरी गेहूं, 1 बोरी चावल, 1 बोरी दाल, बोरी भर तिल, 5 बोरी जौ और 5 बोरी चना, 1 कनस्तर घी और बोरी भर नमक से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो बहुत खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा, फिर इतने से कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते समय बहू के पाप को तो देख लो, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल तो है नहीं। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा तो खर्च करना ही पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे तो है नहीं। अरे रुपया तो आप लोगों के हाथ का माल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किष्णु की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप को उतारने के लिए बड़ा खर्च चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्चा कौन बड़ी बात है आप लोगों के लिए? रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी की तरफ थे। पंडित परम सुख जी मुस्कुरा रहे थे,
उन्होंने कहा, रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, इसमें मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की मां ने कहा, अब तो जो नाचना चाहोगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा बिगड़ कर बोले, रामू की मां, यह तो अपनी अपनी खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखर रहा है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी पोथी पत्रा बटोरने लगे। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता। बेचारी को कितना दुख है, आप नाराज ना हो। मिसरानी, चुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी अब आसन पर जम कर बैठ गए। और क्या हो, रामू की माँ ने पूछा। 21 दिन के पाठ के लिए रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त पांच पांच ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परम सुख ने कहा, तो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लिया करूंगा। मेरे भोजन करने से पांच ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो। मिसरानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ रामू की माँ, सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध कर लो, और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात अभी खत्म भी ना हुई थी कि महरी हांफते हुए कमरे में घुसी और सब लोग चौंक उठे। रामू की मां ने घबरा कर पूछा, अरे क्या हुआ रे? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। प्रायश्चित। अभी आप सुन रहे थे हमारी हिंदी भाग 3 के ध्वनि पाठों की श्रृंखला में यह पाठ। विशेष सहयोग डॉक्टर सुरेश पांडे, परियोजना समन्वय निर्देशन एवं वाचन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, गौरी वर्मा, नीतू झांझी, रेखा राजवंशी और अनीता वैष्णव, ध्वनिंकन सतीश लाड़े एवं दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।